सब्सक्राइब कीजिए एमएस टेक स्कूल और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लाइफ हैक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आमिश और आप देख रहे हैं एमएस टेक स्कूल। दोस्तों आज एक पैकेज का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और ये पैकेज आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स के लिए बहुत ही मस्त जाने वाला है। एक्चुअली है क्या कि एक रिमोट कंट्रोल रिले स्विच आया हुआ है जिसकी मदद से आप आसानी से अपने घर के अप्लायंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी सिर्फ रिमोट की मदद से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए फिर सीधे उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे फिटिंग करता है आपके घर में। तो जैसा कि ये पैकेज है और ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, जाहिर सी बात है भाई सब कुछ रहेगा तभी तो मेरे पास पहुँचेगा ये। तो फिर बिना समय गवाए, बिना कुछ देखिए दाखिए पैकेज को देख लीजिए, टनाटन है, बस अब इसे फाड़ने की देरी है। तो आज कोई छेद तो यहाँ पर दिया नहीं गया है फिलहाल, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर मैं पीछे से ही फाड़ूंगा, भले छेद नहीं है तो क्या हुआ। तो चलिए फिर मैं इसे फाड़ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पैकेज में असल में है क्या। तो पैकेज तो हो गया बाहर और अब देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो सिंपली मैं इस पैकेज को साइड कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स लवर हैं तो हमें सिर्फ अपने सामान से मतलब है। तो अब इसके बाद हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको काफ़ी अच्छी तरीके से पैक किया गया है। तो मैं यहाँ से इसे टेप से इसके टेप को फाड़ लेता हूँ। मैं यार लगता है मुझे कैंची लेनी पड़ेगी यार, चला रोज़ कोई ना कोई चीज़ तो आ ही जाता है। तो दोस्तों पैकेज से बाहर आपको जो मैजिक दिखेगा वो ये है। कुछ लोगों को इसका अंदाज़ा लग गया होगा और कुछ को तो शायद अभी पता भी नहीं होगा कि इससे होने क्या वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। एक्चुअली ये है एक रिमोट कंट्रोल रिले स्विच। जी हाँ, इसकी मदद से आप अपने घर के अप्लायंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं इसी रिमोट की मदद से। तो यूज़र मैनुअल को आप चाहें देखना तो देख सकते हैं, कुछ खास है नहीं। यहाँ पर आपको किस तरह से वायरिंग होने वाली है वो आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पर पॉज करके आप चाहे वीडियो में देख सकते हैं। तो अब आते हैं इस पर, इसके सर्किट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको पीछे की ओर एक होल मिल रहा है, नीचे की ओर आपको टांगने के लिए यानी दीवार पर टांगने के लिए एक होल मिल रहा है, बाकी थोड़ा सा एयर निकलने का इनलेट है, बाकी और कुछ भी नहीं। और सिंपल सा ये रिमोट, देखूँ इसमें बैटरी कहाँ लगती है। तो बैटरी का तो कोई जगह है नहीं, शायद ये ऑन हो। हाँ ये ऑन है, इसमें बैटरी लगी हुई है दोस्तों पहले से। तो आप इसे ओपन कर लेते हैं क्योंकि बिना ओपन किए इसके बॉक्स को हम ये नहीं जान सकते कि किस जगह वायरिंग होनी है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ रिमोट में भी कि आप इससे ए बी सी डी टोटल चार अप्लायंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और आपको यहाँ पर रिले भी चार दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 12 वोल्ट का इनपुट यानी प्लस माइनस, फिर यहाँ पर आपको चारों रिले में लगाने लायक वायरिंग कि किस जगह पर आपको कौन सा वायर लगाना है तो आपका स्विच ऑन ऑफ करेगा किसी बल्ब को, किसी पंखे को, कूलर को, एसी को, कुछ भी। तो चलिए फिर अब इसके जो वायरिंग है उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ दो बल्ब, 100 वाट के दो बल्ब जो एसी से कनेक्ट होंगे और उनका कनेक्शन यहाँ पर होना है और यहाँ से पावर इनपुट देना है। तो दोस्तों ये है मेरे 200 वाट के बल्ब के साथ साथ होल्डर और उनकी पूरी वायरिंग। आपको मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर ये रेड वायर जो मेन है जो एसी से आ रहा है और ये दो वायर जो बल्ब से आ रहे हैं। पीछे की वायरिंग बहुत सिंपल है जैसे कि आप हमेशा करते हैं अपने घर में। और इसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों वायर्स को रिले में सोल्ड करना है, या फिर आप चाहें तो पेचकस की मदद से आप इसे अनस्क्रू करके यहाँ पर आप इंसर्ट भी करा सकते हैं। तो मैं इन दो रिलेज में जैसा कि आपको दिख रहा होगा तीन तीन का पेयर बना हुआ है यहाँ टोटल, यहाँ पर तीन 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 करके। तो मैं पहले तो इसको इस वाले में इंसर्ट करा लेता हूँ और ये वाला जो रेड वाला है ये कॉमन रहेगा दोस्तों। और अब बारी है इसमें कॉमन जोड़ने की। तो कॉमन इसमें बीच वाला होता है यहाँ पर और इस वाले में यहाँ पर।
और इसके बाद यही कॉमन जो रेट्स के साथ यहाँ पर था वो इस वाले कॉमन में आएगा। तो बल्ब के स्विच की जो वायरिंग है यानी रिले की जो वायरिंग है वो तो कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है अपने इस सर्किट बोर्ड को जो है 12 वोल्ट का इनपुट देने की। तो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देने के लिए हमें यहाँ पर दो वायर्स जोड़ने होंगे और फिर इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों सब कुछ हो गया कनेक्ट, अब बारी है इसमें पावर सप्लाई देने की जो कि मैं यहाँ से दूंगा 12 वोल्ट की। और मेरी पावर सप्लाई आपको पता ही है जो मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ, तो ये रही मेरी पावर सप्लाई और ये रहे इसके दो कनेक्टर्स। तो मैंने वाइट को इस मैंने जो वाइट वाला वायर है इसको मैंने बनाया हुआ है प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस वाले से कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है ब्लैक वाला जो कि यहाँ पर्पल से कनेक्ट होगा वो है माइनस, और आपको यहाँ पर ब्लू LED इंडिकेट करते हुए दिख रही होगी। तो अब बारी है इस रिमोट को टेस्ट करने की। तो चलिए फिर रिमोट को टेस्ट कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर A और B को नहीं चुना हुआ है, मैंने यहाँ C और D को चुना हुआ है इस रिले में, यानी A, B, C और D। तो C और D मैंने यूज़ कर रहा हूँ, A और B अभी भी खाली है। आप चाहे तो यहाँ पर दो और अप्लायंस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर फाइनली टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं ये कनेक्ट होता है कि नहीं। देखिए पहले ए से यहाँ पर लाइट जली लेकिन कोई भी ऑन नहीं हुआ। अब बी से देखते हैं, कोई भी ऑन नहीं हुआ। अब सी से देखते हैं, ऑन हो गया। अब इसे ऑफ कर लेते हैं। अब डी से देखते हैं और ऑन हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सी और डी का इस्तेमाल करके आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो करीब मुझे 70 से 80 मीटर के आसपास का मुझे रिमोट कंट्रोल का जो सेंसिटिविटी है वो मुझे मिल जाती है यहाँ पर। तो दोस्तों आई थिंक अगर 400 रुपये के अंदर अंदर में आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जो आपके घर को थोड़ा सा एडवांस बना देता है तो ये बुरा नहीं है। और अगर इन्हें आप चाहें तो ऑन ऑफ भी कर सकते हैं सी और डी की मदद से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं जाइएगा नहीं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।